बहुत गर्म है, मन तो कर रहा है मेरा सारे खा लूं, लेकिन दोपहर में सबको खाना है। चलिए हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 9:20। चलिए थोड़ा ब्रश व्रश करके रेडी होते हैं और कुछ खा लेते हैं, फिर प्लान करते हैं। फिलहाल मैं ब्रश व्रश करके रेडी हो चुका हूँ और थोड़ा बहुत मैंने खा लिया, मुड़ी खा लिया, सूखा मुड़ी। और अब चलते हैं और जाएंगे अभी हमारा कैंपस के अंदर। बाबूजी ने जो भिंडी का पेड़ लगाया था, बहुत सारा भिंडी आई है। आज दोपहर में बनेगा मसाला भिंडी। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को भिंडी मसाला बनाने की प्रोसेस। चलिए चलते हैं भिंडी तोड़ने। अभी मम्मी जाएगा तोड़ने के लिए और मैं चलता हूँ उनके साथ। चलिए चलते हैं। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं भिंडी तोड़ने। दिखाता हूँ आप लोगों को कितना सारा भिंडी आई है। और एकदम ज़्यादा बड़ा बड़ा भिंडी नहीं लेंगे, एकदम छोटा छोटा भिंडी लेंगे। ये देखिए कितना भिंडी यहाँ पर, ये वाला भिंडी देखिए, इसमें भी भिंडी, इसमें भी भिंडी, इसमें कितना फूल और भिंडी, इसमें भी भिंडी देखिए, इतना कितना भिंडी पूरा, ये सारा भिंडी का पेड़ है। ये वाला जनी ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा जनी नहीं आई, क्योंकि ये नया मिट्टी डाले थे ना, और उसमें ज़्यादा मतलब पावर नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, मतलब जनी का पेड़ का ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। और ये रहा हमारा तालाब। ये भिंडी मसाला बनाने के लिए भाभी ने पहले मसाला तैयार करेगा।
ये रहा मसाला, जो मसाला भिंडी बनाने के लिए जो मसाला ये भाभी ने पहले तैयार कर ली। बस हमारा मसाला भिंडी बन के रेडी हो चुकी है, बस खाते हैं दोपहर में लंच में। आज लंच में बनी है दाल चावल और मसाला भिंडी और साग। मुझे खत्म हो गया साग, मेरा फ्रेंड का साग। आज का लंच में खाएंगे दाल चावल, साथ में मसाला भिंडी और साग। मस्त खाएंगे आज। चलिए अभी तो दोपहर हो चुकी है, बस थोड़ा नहा के फ्रेश होते हैं, फिर खाएंगे लंच। फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं, चलिए करते हैं लंच। लंच में बनी है आज दाल चावल, साथ में बनी है मसाला भिंडी और साग भी बनी है। चलिए खाते हैं। पहले गल्लू को खिला देते हैं क्योंकि अभी तो 2:10 बाकी है, वो जल्दी जल्दी खा के सोने के बाद 3 बजे तक सारा आ जाएंगे ट्यूशन सर, इसलिए जल्दी खिला के सुला देना पड़ेगा। तो चलिए पहले गल्लू को खिला देते हैं। ये है कड़म साग, ये रहा मसाला भिंडी और इसमें है दाल। ये देखिए एकदम दाल, ग्रेवी ग्रेवी दाल बनी है आज। फिलहाल हमारा लंच रेडी। ये देखिए ये दाल चावल, साथ में भिंडी में मसाला भिंडी और ये रहा साग। खाएंगे साथ में, गेलू को खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। चलिए खा लेते हैं पहले।
जल्दी क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ एक दुई फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम को 5:30। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, फिर आने के बाद बताऊंगा आप लोगों को मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलिए निकलते हैं अभी। फिलहाल मैं गया था हमारा एरिया में एक शिपिंग कंपनी, जो मेरा इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अभी अभी लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू के लिए गया था वो शाम को। तो वहाँ पर मैंने जाके जब पहुँचा, रिज्यूम लेके पहुँचा, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ठीक है तो आपका रिज्यूम दे दीजिए और आपको बुलाया जाएगा। फिर कुछ देर बाद मेरे को बोला कि आप 2 महीने बाद आओ, कि अभी कंपनी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कंपनी का डायरेक्ट कंपनी एम्प्लॉय के लिए कोई वैकेंसी अभी नहीं निकला, तो इसलिए आप 2 महीने बाद आओ। तो फिर मैं बाहर आ गया, रिज्यूम दे के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मेरे को सिक्योरिटी ने बताया कि यहाँ पर खूब राजनीति चलती है, तो इसीलिए कोई राजनीति बंदे को लेके आओ, अगर कोई राजनीति बंदे के साथ आप आते हो तो कंपनी में रह सकते हो, नहीं तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो इसलिए अभी मैं जस्ट आके पहुँचा हूँ। तो घर वाले को भी बताया है कि मैं वहाँ पर गया था इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने ये सब बातें बताई। तो सोच रहा हूँ तो हमारा एरिया में जो हमारा सरपंच जी है उनको लेके चलेंगे कल या परसों, देखते हैं क्या होता है। फाइनली अभी टाइम हो रहा है रात को 10:40, बस करते हैं डिनर। डिनर में बनी है रोटी और हरी सब्जी खाते हैं और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग को, यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।